सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंची। वहां पर उन्होंने पंडोखर सरकार ने उन पूछा कि उन्हें चुनाव में किसने हराया। तब पंडोखर सरकार ने कहा कि तुम्हें तुम्हारी पार्टी के ही एक वर्तमान नेता ने हराया है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। इमरती देवी का पंडोखर सरकार पहुंचकर सवाल पूछने का वीडियो इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इमरती देवी ने एक दो सवाल भी पंडोखर सरकार से पूछे, जिनके जवाब पंडोखर सरकार ने उन्हें दिए। डबरा की पूर्व विधायक व मंत्री तथा सिंधिया समर्थक इमरती देवी पिछले दिनों दतिया क्षेत्र के पंडोखर सरकार के दरबार में अपनी हार व कुछ व्यक्तिगत सवाल लेकर पहुंची। उन्होंने पंडोखर सरकार से पहला ही सवाल पूछा कि वे स्वच्छ राजनीति करती हैं, फिर भी वे हार गईं, उन्हें किसने हराया है। इसके जवाब में पंडोखर सरकार ने बताया कि उन्हें उनकी वर्तमान पार्टी के ही एक नेता ने हराया है, लेकिन वे उसका नाम नहीं बता पाएंगे। वे उसका नाम डबरा में होने वाले कार्यक्रम में बताएंगे। साथ ही पंडोखर सरकार ने कहा कि उनका राजनीतिक भविष्य काफी अच्छा होगा और उसमें विस्तार होगा। यही वजह है कि चुनाव हारने के बाद भी सरकार ने उन्हें निगम का अध्यक्ष बनाया है और मंत्री का दर्जा दिया है। इसके अलावा भी इमरती देवी ने अपनी नातिन को लेकर कुछ सवाल पंडोखर सरकार से पूछे, जिनका जवाब पंडोखर सरकार ने दिए। पंडोखर सरकार के दरबार में पूर्व मंत्री व सिंधिया समर्थक के जाने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हालांकि इस स्थान पर राजनीति क्षेत्र से लेकर अन्य क्षेत्रों के नेता जाते रहते हैं, लेकिन उनके वीडियो कम ही वायरल होते हैं, लेकिन इमरती देवी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। 2014 में मैं गई थी जब लोकसभा चुनाव लड़ी थी, तो एक तो मैं राजनीति बहुत साफ सुथरी करती हूँ, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया। और दूसरी मेरी बिटिया की बिटिया नातनी मेरी 3 साल की हो गई, अबे वो बोलती नहीं। दो मेरे पकड़िए, हमें लिखा है राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा, आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। आप पढ़ लीजिए, आपके ही वर्तमान का पार्टी का व्यक्ति है। अब व्यक्ति में तो बहुत लोग है, पूरी दुनिया है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी राजनीति में बैठे, आपकी राजनीति में विस्तार होगा, उन्नति होगी, और आपको हारने पर भी जीत और जीतने के बाद भी आपने सीधा 6 मार दिया, अध्यक्ष अपना बना लिया, उपाध्यक्ष अपना। तो ये भगवत कृपा है, पार्टी की इच्छा है कि आप बढ़ो आगे, और कांग्रेस भी आपकी थी, भाजपा भी आपकी है, और मैन है कांग्रेस भाजपा की जनता, जिसने आपको नेता माना, जिसने अपना मुखिया माना, अपनी बात रखने की क्षमता आप में दी, इसी के लिए आपको साधुवाद आशीर्वाद। पंडोखर सरकार का दर्शन करें, हारे वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया जा सकता है, परंतु बताने में